कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है कि आपका कोई फ्रेंड आपको मैसेज करता है एंड देन डिलीट कर देता है, एंड बार बार अगर ऐसा होता है तो एक चुन मचने लगती है, पता नहीं क्या मैसेज क्या हुआ क्या नहीं, आप उसे देख तो सकते नहीं क्योंकि वो मैसेज ऑलरेडी अनसेंड हो चुका है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किसी भी अनसेंड या डिलीटेड मैसेज को कैसे पढ़ सकते हो इंस्टाग्राम पर। और छोटी सी वीडियो होगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का नाम है रीसेंट नोटिफिकेशन, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी एंड्रॉइड में। तो मैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। प्ले स्टोर पे आपको लिखना है रीसेंट नोटिफिकेशन। रीसेंट नोटिफिकेशन में जो आपको पहली एप्लीकेशन मिल जाएगी, लिब्रेक्स ने उसे बनाया, 4.1 की रेटिंग है, 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, 3.9 एमबी की एप्लीकेशन है, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है। अब आपको इसे कुछ एक्सेस देना है, रीसेंट नोटिफिकेशन, ओके, गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू, एंड यहाँ पे आपको रीसेंट नोटिफिकेशन को अलाउ करना है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो पॉपअप आपको आता रहे उसका। ओके, डन, मैंने इसे अलाउ कर दिया है, कंटिन्यू, टेस्ट नोटिफिकेशन, इस तरह नोटिफिकेशन आएगा इसका। टेस्ट नोटिफिकेशन को मैं कर देता हूं अभी के लिए डिलीट। अब मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट से मैसेज करके दिखाऊंगा, मेरे इस वाले फोन पे जो मेरा अकाउंट है उस पे इंस्टाग्राम के, एंड मैं जो डिलीटेड मैसेज है पढ़ के आपको दिखा देता हूं। दोनों फोन मेरे पास है, इसमें मैंने अपना पर्सनल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और इसमें मेरा दूसरा अकाउंट है फैक्टोलॉजिक्स। अब मैं फैक्टोलॉजिक्स जिसमें मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, आप देख सकते हो रीसेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ओके, अब मैं इसमें मैसेज कर देता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ आप अनसेंड मैसेज को कैसे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर लिखता हूँ हाय, वहां पे मैसेज आ रहे हैं आप देख सकते हो। ओके, अब मैं इसे यहां से अनसेंड कर देता हूं, अनसेंड अनसेंड एंड अनसेंड, डन। अब मैं आपको यहां से अनसेंड हो गया, वो आपको नहीं दिख रहे होंगे कहीं भी। ओके, तो अब मैं यहां पे भी देखता हूं अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में जाके, तो यहां पे भी मुझे राज चौधरी के नाम से कोई मैसेज नहीं दिख रहा है। अब आपको सिंपली अनसेंड में जाना है, रीसेंट नोटिफिकेशन में जाना है, सॉरी, एंड रीसेंट नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो सेम मैसेज है जो मैंने वहां पे भेजे हुए थे। एंड मैं अब मैं दोबारा आपको कोई बड़ा मैसेज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसी मैसेज को भेज देता हूँ कॉपी करके, डन, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। अब मैंने इग्नोर कर दिया, वो मैंने नहीं देखा है, बट मैं यहां से इसे अनसेंड कर देता हूँ, डन, मैसेज चला गया। यहाँ पे भी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा, एंड अगेन इस यहाँ पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां से नोटिफिकेशन अनसेंड कर चुका था मैसेज को। ओके, एंड आपको दोबारा रीसेंट नोटिफिकेशन में जाना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मैसेज था प्रीव्यू, आप अगर पूरा मैसेज देखना चाहते हो उसे प्रीव्यू करके देख सकते हो, राइट। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है एंड ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी ट्रिक थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी एंड आपको पता चल गया होगा कैसे अनसेंड और डिलीटेड मैसेज को पढ़ सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, इफ यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि जितने भी पुरानी अच्छी एप्लीकेशन होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया फीचर या कोई भी नया हैक होता है मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ, कोई भी नई और अच्छी एप्लीकेशन आती है मैं उसे रिव्यू करता हूँ। Thank you so much.